हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यूजीलैंड के एक ऐसे वर्क वीज़ा प्रोग्राम के बारे में जिसके थ्रू आप सिर्फ 50 डेज के अंदर वर्क वीज़ा पर जा सकते हो और वो भी विदाउट आइल्स। कोई भी आइल्स एग्ज़ाम यहाँ पर आपको क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में दोस्तों बेनिफिट ये है, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को साथ में ले जा सकते हो। यस गाइस, इस वर्क वीज़ा का नाम है एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा। ये वीज़ा गाइस आपको सिर्फ 50 डेज के अंदर मिल जाएगा और इस वर्क वीज़ा पर आप 3 साल तक न्यूजीलैंड में रहकर काम कर सकते हो। और साथ में दोस्तों बेनिफिट ये है, यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग $28 से लेकर $29 पर आर के हिसाब से काम मिलने वाला है। एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा का मतलब है दोस्तों जो इमिग्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड है उसकी तरफ से मान्यता प्राप्त, यानी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयर को इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉयर है जिनको इमिग्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ से चुना गया है और इन लोगों का गाइज राइट है, ये किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। गाइज, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं 2023 में। पहले काफ़ी सारे ऐसे वीज़ा थे जिनके लिए यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अभी दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे न्यू प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे कि फॉरेन वर्कर को काफ़ी आसानी से अपने कंट्री में बुलाया जा सके। क्योंकि गाइज रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपको बताया रिकवरी वर्क वीज़ा भी यहाँ पर इशू कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फ्लूड आया था और उसमें दोस्तों सारे जिनका इकोनॉमी था वो गाइज एकदम तहस नहस हो चुका है। तो गाइज उन सभी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ये लोग न्यू प्रोग्राम, न्यू वीजा यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं जिनके थ्रू फॉरेन वर्कर को बड़े ही आराम से ये लोग हायर कर सके। तो गाइज यहाँ पर काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं पॉलिसी में। और दोस्तों अच्छी बात ये है गाइज, इस वर्क वीजा पर अगर आप जाते हो तो अपनी फैमिली को तो आप साथ में ले आ सकते हो। और वहां पर जाने के बाद गाइज अगर आपका सैलरी लगभग $28-29 आप यहाँ पर कमा रहे हो पर आर के हिसाब से, वर्क वीजा पर जाने के बाद आप 2 मंथ के अंदर ही पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और पीआर के बहुत सारे बेनिफिट है आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वर्क वीजा पर जाने के बाद में आप अपनी फैमिली में से किसी को भी बुला सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला सकते हो, वाइफ को बुला सकते हो, अपने बच्चों को बुला सकते हो। तो आप यहाँ पर डिपेंडेंट वर्क वीजा पर किसी को भी बुला सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताना होगा एक्रेडिटेड वर्क वीजा आपको कैसे मिलेगा, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन कितना होना चाहिए और यहाँ पर एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पर बात करते हैं एक्रेडिटेड वर्क वीजा आपको कैसे मिलेगा और यहाँ पर क्या एजुकेशन और एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस एजुकेशन की। एजुकेशन अगर आपका 6-7 क्लास है तो भी यहाँ पर आप जा सकते हो इस वर्क वीजा पर, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई भी आइल्स का एग्जाम यहाँ पर आपको क्रैक नहीं करना। इंग्लिश नहीं आती तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए जो भी आप काम करते हो। अगर आप डेंटिस्ट हो या फिर आप डॉक्टर हो या फिर आप नर्स हो या फिर आप क्लीनर हो या फिर हाउसकीपर का काम जानते हो या फिर शेफ हो, कारपेंटर हो या फिर आप वेल्डर हो या फिर आप प्लम्बर हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आप काम जानते हो, एक्सीवेटर का आप काम जानते हो या फिर आप जेसीबी वगैरह चलाना जानते हो, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो या फिर आप सुपरमार्केट कोई भी काम जानते हो, आप कैशियर हो, मर्चेंडाइजर हो, अकाउंटेंट हो या फिर आप एक ड्राइवर हो, जी हाँ दोस्तों इस तरह की बहुत सारी जॉब्स है। गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ग्रीन लिस्ट है न्यूजीलैंड की, यानी ग्रीन लिस्ट में दोस्तों वो सारी जॉब यहाँ पर मैंशन है जो कि स्किल शॉर्टेज जॉब्स के अंडर में आती है, यानी कि जो स्किल इनके यहाँ पर शॉर्टेज है उस लिस्ट को ये बोलते हैं ग्रीन लिस्ट। तो वो ग्रीन लिस्ट मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। एग्रीकल्चर फील्ड हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर में आप कोई भी जॉब करना चाहते हो, टेक्नीशियन हो, तो दोस्तों जो भी आप काम जानते हो वो सारे कैटेगरी इस लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से जो भी आप काम जानते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सीवी बना के डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एज लिमिट यहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एज लिमिट यहाँ पर कोई भी इन लोगों ने मेंशन नहीं किया, किसी भी एज ग्रुप का बंदा जो काम जानता है, जिसके पास में एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बात करें दोस्तों वर्क वीज़ा कितने दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, 50 डेज के अंदर आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। इसका जो कॉस्ट मैंने आपको बता दिया $750 इसका कॉस्ट है। 3 साल का ये वर्क वीज़ा, पहला आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, उसके बाद 2 साल के लिए ये लोग आपको रिन्यू करके देंगे और इतने में दोस्तों काम हो जाता है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर आपको पीआर मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों 6 मंथ के अंदर ही पीआर मिल जाता, 4 मंथ के अंदर भी आपको यहाँ पर पीआर मिल जाता अगर सैलरी आपका यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया $28-29 आप पर आर के हिसाब से बताते हो, तो विद इन 2 डेज यानी जाने के बाद में जॉब आपका कंफर्म हो गया, आप न्यूजीलैंड चले गए, 2 दिन के बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट है जो कि दूसरे वर्क वीज़ा में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर
एजुकेशन का मैंने बता दिया और आपको वीजा कोस्ट भी बता दिया, प्रोसेसिंग टाइम भी बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इस वर्क वीजा को अप्लाई करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको ऐसा वर्क वीजा मिलेगा नहीं। तो इस वर्क वीजा को लेने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर दोस्तों एक जॉब ऑफर लेटर। सिर्फ आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से ही जॉब ऑफर लेटर लेना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने रेंडमली किसी भी वेबसाइट पर जाकर जॉब अप्लाई किया, ऑफर लेटर मिल गया और आपने दे दिया, ऐसे ही वर्क वीजा आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना रहा हूँ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के बारे में। इन लोगों को मतलब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक्रेडिटेड किया गया है। दोस्तों ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं आगे आपको स्क्रीन पर लेकर दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है, सबसे पहला गाइज यही है, यहाँ पर आपको जॉब अप्लाई करना है और जॉब अप्लाई करने के बाद में एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एक जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। जॉब अप्लाई करने के लिए CV.com पर आपको जाना और अपना एक CV बनवा लेना न्यूजीलैंड फॉर्मेट का, दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं चलने वाला। सिर्फ आपको यहाँ पर एक न्यूजीलैंड फॉर्मेट का CV चाहिए और डायरेक्टली आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर देना, जॉब आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा इंटरव्यू आपका होगा जूम या फिर स्काइप पर, और जैसे आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं आपको यहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाता है। सो गाइस अगर आपके पास न्यूजीलैंड का CV का लेटर नहीं है तो आप मेरे थ्रू उसको बनवा सकते हो, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर CV कवर लेटर, या फिर आप वर्क वीजा के लिए कोई भी हेल्प लेना चाहते हो तो ये पेड सर्विस है, आप इसके लिए मुझे हायर कर सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो और स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखा दे रहा है, यहाँ पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपका जो प्रोसेस है गाइज, वो आपको जो एम्प्लॉयर है, जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है इमिग्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ से चुना गया है, वहाँ दोस्तों आपका वर्क वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका एम्प्लॉयर है आपका ऑफर लेटर जाके वहाँ पर सबमिट कर देगा, आपको जो डॉक्यूमेंट है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन में वहाँ पर जाके सबमिट कर देगा। उसके बाद में दोस्तों आपको वो लोग एक ईमेल करते हैं कि आपका यहाँ पर रिकमेंडेशन आया है, आपको यहाँ पर हायर किया जा रहा है इस कंपनी में, यहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और अभी आपको यहाँ पर वर्क वीजा इशू किया जाएगा। तो गाइस उसका जो पेमेंट है, वीजा का जो कॉस्ट है $750, आपको वो लोग एक लिंक प्रोवाइड करते हैं ईमेल पर, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर आपको सबमिट करने, आपका ऑफर लेटर जो कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिला था, ऑफर लेटर, पासपोर्ट, PCC, मेडिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने। जो इमिग्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ से आपको ईमेल आएगा वहाँ पर आपको सबमिट करना है, और वहाँ पर सबमिट होने के बाद में गाइस 20-30 डेज के अंदर, यानी कि ऑफर लेटर आने के बाद की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इतने दिन के अंदर आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है और आप फ्लाई करोगे डायरेक्टली न्यूजीलैंड के लिए। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से कैसा आपको जॉब ऑफर लेटर लेना है। तो गाइस अगर आप जॉब ऑफर लेटर लेना चाहते हो न्यूजीलैंड के एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से, तो यहाँ पर आपको ये वाला जॉब पोर्टल ओपन कर लेना, seek.co.nz। यहाँ पर आपको फर्स्ट में यहाँ पर आपको टाइप करना एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर विद NZ और नीचे साइड में यहाँ पर आपको टाइप करना ऑल न्यूजीलैंड, उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च कर देना। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे देखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर किचन हेल्पर का जॉब है, क्लीनर का है, ड्राइवर का है और साथ में शेफ का जॉब है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टीचर के लिए भी बहुत सारे जॉब्स है और साथ में टेक्नीशियन के भी बहुत सारे जॉब है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक कैटेगरी का जॉब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आपका जॉब डेजिग्नेशन है, जो भी आप काम जानते हो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सर्च कर लेना। और यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर गाइज, ये लगभग यहाँ पर 200 एम्प्लॉयर है और सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स है गाइज एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है, जिनको दोस्तों राइट है किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर करने का। गाइज यहाँ पर आपको सैलरी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको सैलरी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 25 से लेकर $35 पर आवर के हिसाब से मिलेगा, और नीचे जो जॉब है यहाँ पर भी $25 और $32 पर आवर के हिसाब से मिलेगा। और फुल टाइम यहाँ पर गाइज आपको जॉब सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको फिल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर फुल टाइम जॉब पर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, जितनी फुल टाइम जॉब्स हैं यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज है, फ्रूट पिकिंग का आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, या फिर आप वेल्डर हो, या फिर आप टेक्नीशियन हो, या फिर आप यहाँ पर डॉक्टर हो, नर्स हो, सर्जन हो, वाट एवर, जो भी आपका यहाँ पर जॉब डेजिग्नेशन है, ड्राइवर, तो ड्राइवर का जॉब यहाँ पर सर्च कर लेना। अब गाइस यहाँ पर आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप उसी का CV बनाइए और उसी के लिए अप्लाई करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी आप काम जानते हो उस कैटेगरी का आपको CV क्रिएट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली जॉब सर्च कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वेल्डर का जॉब है, इसके लिए दोस्तों आपको लगभग $38 मिलेगा पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास में एक CV होना चाहिए, कवल्टर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप जॉब कर पाओगे। 30 से लेकर $38 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों ये जॉब आपको मिल जाता है विद इन 5 डेज के अंदर, आप यहाँ पर जाने के बाद में PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, साथ में अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को भी आप यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा पर बुला सकते हो, अपनी वाइफ को या फिर गर्लफ्रेंड को या फिर बच्चों को या फिर अपने माता पिता को, किसी को भी आप यहाँ पर बुला सकते हो इस वर्क वीज़ा पर। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट आपके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए क्विक पर जाना है, क्विक अप्लाई, और यहाँ पर आपको अपना CV कल्टर जो भी है
और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जस्ट गाइज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरह से यहाँ पर आपको जॉब अप्लाई करना है। चूज डॉक्यूमेंट में फर्स्ट स्टेप यही है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, अपना सीवी आपको ऐड कर देना। ये मेरे किसी सब्सक्राइबर का सीवी है जो कि मैंने बनाया था, तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर आपको सीवी सेलेक्ट करना है, रिज्यूम आपका अपलोड कर देना और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना अपना कवर लेटर और सीवी। गाइज ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है, एक ही डॉक्यूमेंट नहीं होता, सीवी अलग होता है और कवर लेटर अलग होता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास में पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पर आराम से इसको आप अपलोड कर पाओगे। और गाइस अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास में न्यूजीलैंड फॉर्मेट में है तो डेफिनेटली आपके जॉब पाने के चांसेस 95% ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास में सीवी नहीं है, कवर लेटर नहीं है न्यूजीलैंड फॉर्मेट का, तो आप इसे मेरे थ्रू बनवा सकते हो। और अगर आपको जॉब अप्लाई नहीं करना आता तो ये आप मेरे थ्रू करा सकते हो अपना, इसका कुछ नॉमिनल चार्जेस है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। और गाइज ये जो वर्क वीज़ा है बहुत ही स्मूथली प्रोसेस है इसका, और 99% लोगों को ये वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हुआ, सेकेंड स्टेप पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका एजुकेशन बता देना है, और कोई अगर आपके पास में स्किल है उसका आपको बता देना ना। फाइनल स्टेप में आपको ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब ऐड कर देना और डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब मिलने के बाद में दोस्तों आपको ऑफर लेटर ये लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बेस पर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो।